आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार विपणन वर्ष 2022-23 के लिए फसलों की एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। नई एमएसपी के लिहाज से भी तुलना की जाए तो बाजार में प्रमुख दलहन को छोड़ अन्य सभी फसलों के दाम नई एमएसपी से भी ऊपर बने हुए हैं। मूंग, तुअर, चना जैसी प्रमुख दलहन फसलें एमएसपी से नीचे ही बिक रही हैं। एमएसपी बढ़ाने की घोषणा के बाद बाजार में आया उछाल एक दिन से ज्यादा टिक नहीं सका। दाम बढ़े तो दालों में उपभोक्ता ग्राहकी थमने लगी। मिलों के लेवाल भी पीछे हटने के कारण दलहन के भावों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चने में मुनाफा वसूली की बिकवाली आने और हल्की क्वालिटी की आवक जोरदार रहने से भाव में गिरावट रही। चना कांटा 100 रुपये टूट कर 4750 रुपये क्विंटल रह गया। दूसरी ओर नई मूंग के अच्छे दाम मिलने से किसानों की बिकवाली बढ़ गई, जिससे मंडी में मूंग की भरपूर आवक के साथ ही कीमतों में जोरदार मंदी रही। बेस्ट मूंग 150 से 200 रुपये टूट कर 6300 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। इसके समर्थन में मूंग दाल में भी 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। वहीं गर्मी सीजन के नए उड़द की आवक अच्छी रहने से इसकी कीमतों में भी गिरावट रही। नई उड़द 100 रुपये घटकर 6300 से 6650 रुपये क्विंटल रह गई। मसूर में कामकाज सामान्य रहा, भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि दलहन के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए दलहन में ज्यादा मंदी की गुंजाइश कम है और दालों में कामकाज कुल मिलाकर सामान्य ही रहा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।